नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर आशुवानिया और मैं हूँ आशुवानिया। आज मैं आप सभी लोगों को होली के शुभ अवसर पर बन रहे तीन महान योगों के बारे में बताने जा रही हूँ। इस साल होली 17 मार्च और खेलने वाली होली 18 मार्च को मनाई जा रही है। होली का त्यौहार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को मनाया जाता है। 10 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है। इस समय सभी शुभ कार्यों को हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें टालना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे अंतरिक्ष के सभी ग्रह काफ़ी उग्र स्वभाव में होते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे शादी ब्याह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि। इस साल होलिका दहन 17 मार्च को समय 6:43 से 9:08 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा। इस दिन शूल योग, शुल्फा योग और वाशी योग बन रहा है, जो मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए शश योग और रोचक योग बनाएगा। ये सभी राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ योग बन जाएंगे, जिसके कारण इनके जीवन में बहुत ही अच्छे प्रभाव पड़ेंगे और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही शुभ संयोग बनेंगे। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए इस समय पद वृद्धि, मान सम्मान और घर में सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए अगर अपने इस शुभ संयोग का जो बना हुआ है अभी इस वक्त, इसको और इम्प्रूव और फलित करने के लिए क्या करें कि 5 तरीके का अनाज लें और होलिका दहन के दिन अग्नि में उसको डाल दें, उसे जलने दें, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ही जल्दी और अधिक शुभता आने लगेगी। बाकी की राशियां जो बची हैं उनके लिए भी एक खास उपाय है, जिसके द्वारा वो अपने होली के इस शुभ त्यौहार का को शुभ बना सकते हैं। बाकी की जो राशियां बची हैं, जिन पर ये संयोग नहीं बना है, उन लोगों को क्या करना है कि 7 तरह के अनाज लेना है, चिड़ियों को दाना डालना है, जिसके कारण उनके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए काफ़ी अच्छे संयोग बनेंगे, जिससे क्या होगा कि होली के शुभ अवसर पर उन्हें काफ़ी फायदा हो।